देखो अपने आप को, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, एक आम बेटा, एक कमजोर बाप। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे पास है हर बाप का आशीर्वाद और हर बच्चे का प्यार। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट अनिल कपूर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं फ्लाइंग जट वर्सेस क्रिश मूवी में, जो हमें मानवर दिखाए गए थे ना उनके बीच। सो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आपने इसका आंसर कहीं ना कहीं सोच लिया है तो यार पीछे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं क्या पता आपका आंसर कहीं ना कहीं सही हो जाए। बाकी अभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ विद वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन आई बी योर सुपर हीरो? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं, तो एक तरफ तो है फ्लाइंग जेट, वहीं दूसरी तरफ है मानवस, आल के मानवस। तो क्या होगा इस बैटल का निष्कर्ष? क्या जो फ्लाइंग जेट है वो उन सभी उन सभी मानवर्स को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं, जानेंगे इसका आंसर। और लास्ट में एक आपके लिए बोनस बैटल भी है कि जो फ्लाइंग जेट है उसका मुकाबला यहाँ काल से होगा। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और फ्लाइंग जेट वर्सेस काल के ऊपर अगर आपने अपना ओपिनियन बता दिया ना कमेंट बॉक्स की कौन जीतेगा तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी जाओ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताओ। सो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है उसके अपोजिट में है काल के मानवर, और यहाँ पर जो काल के मानवर्स हैं एक्चुअली उनमें से कुछ को तो नाम ही नहीं दिए गए हैं, और जिनको नाम दिए गए हैं वो कुछ हद तक अननोन है, और इनकी ट्रू पावर्स कहीं ना कहीं अननोन है क्योंकि इनका ज़्यादा यूज हमें देखने को नहीं मिलता है मूवी में। पर देखो बात कुछ ऐसी है कि पहले तो यहाँ पर एक राइनो टाइप दिखने वाला है जिसको राइनो मैन ऐसे हम कह सकते हैं, तो इसकी जो बेसिक पावर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जैसा कि हमने मूवी में देखा था कि इसने एक पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया था क्रिश के ऊपर। और दूसरी तरफ है यहाँ पर वो फ्रॉक लाइक, हाँ, जो अपनी जीप से ऐसे आइसक्रीम में चुरा रहा, मतलब देख लो सर्विलेंस कैसे कैसे काम कर रहे हैं। एक तो वो हो गया, अब उसकी जो मेन पावर है वो कहीं ना कहीं उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे बिलोंग करती है। वो फास्ट है बट काफ़ी हाई जंप्स मार सकता है, एंड उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में ज़्यादा है। और उसकी जीभ तो देख लो भाई, वो अपनी जीभ से मतलब रस्सी जितनी लंबी अपनी जीभ को कर सकता है और किसी को भी गलत मोड़ के निपटा सकता है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं उसकी, और इसकी बॉडी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है। बात की जाए यहाँ पर एक और लड़की होती थी, आपने देखी होगी शायद, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जो क्रिश के आसपास मंडरा भी रही थी, और उसने बस एक झटके में उसको ऐसे गले से पकड़ लिया था। तो हाँ, वो उसकी स्पेशल एबिलिटी आपको पता लगी कि सुपर स्पीड। और यहाँ पर एक काया है, अब काया जो है उसको गिरगिट भी कहा जा सकता है क्योंकि वो गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती है, पर उसकी एक स्पेशल जो एबिलिटी है वो ये है कि वो किसी को भी देख कर उसी की तरह बन सकती है, यानी कि उसकी मेन एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग। और इसके साथ ही उसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मतलब उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड उसकी एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी है कुछ उसके पास, जैसे कि अपना मुंह कैसे लगा रही थी वो क्रिश को। मतलब ये बता रहा हूँ आपको कि ये सीन देख के आपको समझ ही आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इस चीज़ को मैं अभी क्या नाम दूँ, आप खुद सोचो। बाकी ओवरऑल अगर इन सब की आपस में बैटल होती है तो कौन जीतेगा? तो देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर ये एक साथ मिलकर अटैक करते हैं फ्लाइंग जेट के ऊपर, वो बात हम आगे करेंगे, पहले बात करते हैं सोलो में क्या होगा। पहले जो राइनो मैन है अगर वो आता है बैटल करने फ्लाइंग जेट से, तो देखो जो फ्लाइंग जेट है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है, उसने राका जैसे सुपर विलन को डिफीट कर रखा है, तो उसे यहाँ राइनो मैन डिफीट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देखो उसको स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही नॉकआउट करना है, क्योंकि यहाँ जो राका था जिसको फ्लाइंग जेट ने डिफीट कर रखा है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी क्विक थे, एंड कहीं ना कहीं वो फ्लाइंग जेट के इक्वल पावर लेवल को होल्ड करता था। और यहाँ जो ये राइनो मैन है उसकी बस स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, रिफ्लेक्सेस उसके काफ़ी कम है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी कम है यहाँ फ्लाइंग जेट से। तो ओवरऑल फ्लाइंग जेट राइनो मैन को डिफीट कर सकता है। फिर आगे चलकर जब उसकी बैटल फ्रॉक मैन से होगी, जो फ्रॉक की तरह काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अपनी जीभ से काफ़ी दिक्कतें दे सकता है फ्लाइंग जेट को, पर फ्लाइंग जेट अपनी स्पीड
की मदद से यहाँ इसको इजीली नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। आगे उसका सामना होगा फिर उस लड़की से, जी हाँ वही जो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो क्रिश को डोरे डाल रही थी उसके इर्द गिर्द मंडरा कर। तो यहाँ मैं क्लियरली बता देता हूँ कि इसकी दाल यहाँ भी नहीं गिरने वाली है, क्योंकि इसकी स्पीड तो लिटरल में क्रिश से भी कम है, और जो क्रिश है उसकी स्पीड फ्लाइंग जेट जितनी है ही नहीं, क्योंकि क्रिश की स्पीड इवन 5 से 10 मैक है। तो उस हिसाब से अगर इसकी स्पीड कैलकुलेट करें हम तो वो कहीं ना कहीं 5-10 मैक से कम ही होंगी, 2-3 मैक तक। पर वही जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्पीड इवन 100 मैक तक क्रॉस कर जाती है, 100 से 110 मैक तक को ईजिली जो फ्लाइंग जेट है वो स्पीड को मैच कर सकता है, 120 मैक तक की स्पीड तक ईजिली वो ट्रेवल कर सकता है। जिस वजह से कहीं ना कहीं जो फ्लाइंग जेट है वो इस बैटल को 120 मैक तक की स्पीड को फ्लाइंग जेट ईजिली पकड़ सकता है, जिस वजह से जो फ्लाइंग जेट है वो इस बैटल को यस विन कर जाएगा। और आगे चलकर जब उसका सामना होगा फिर यहाँ काया से, तब वो बात देखने लायक होगी, क्योंकि जो काया है वो शिफ्ट शिफ्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया करती है कि क्या पता वो उसकी माँ ही बनकर उसके सामने आ जाए। वो तभी होगा अगर ये एक प्रिपेयर्ड बैटल हुई, पर एक रैंडम काउंटर अटैक हुआ, तब ऐसे में क्या होगा। तो देखो ऐसे में जो फ्लाइंग जेट है वो इजीली काया को भी डिफीट कर देगा, क्योंकि काया की स्ट्रेंथ स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी आसपास में नहीं आती है यहाँ फ्लाइंग जेट के। और साथ ही में जैसा मैंने बोला, अगर प्रिपेयर्ड बैटल हुई, अगर वो उसकी माँ ही बनकर आएगी उसके सामने, तो देखो जो फ्लाइंग जेट है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसको भाप जाएगा, क्योंकि शेप शिफ्टिंग ये बहुत अच्छी करती है। पर जो एक हाव भाव कॉपी करने हैं और एक फुल्ली जो कॉपी करने का तरीका होता है कि यानी बिल्कुल वैसे ही बात करना, वैसे ही पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करना, वो इसके बस की बात नहीं होती है, जिसकी वजह से कृष्ण ने भी उसको पकड़ लिया था, और ऑब्वियसली फ्लाइंग जेट भी उसको पकड़ लेगा और पूरी तरीके से फिर हरा देगा, धो देगा, पीट देगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है वो सोलोमन सभी को नॉकआउट कर सकता है। और अगर बात हो कि क्या ये सभी एक साथ आकर डिफीट कर सकते हैं फिर क्या यहाँ फ्लाइंग जेट को, तो नो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्लाइंग जेट का पावर लेवल इन सभी से कई गुना ज़्यादा है। अगर ये एक साथ भी आ जाए तब भी अपने सिर्फ स्पीड की एबिलिटी के चलते ये इन सभी को नॉकआउट कर जाएगा। और अगर इन सभी को नॉकआउट एक साथ क्रिश कर सकता है, जो कि कर ही सकता है, तो फ्लाइंग जेट भी कर सकता है। अब हाँ, मेरा ये कथन सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या जो फ्लाइंग जेट है वो क्रिश से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर ये आपको जानना है तो फ्लाइंग जेट वर्सेस क्रिश के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आपसे, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर बैठे एंड बाय बाय। ओ वेट सॉरी मैं भूल गया, फ्लाइंग जेट वर्सेस काल की अगर आपस में बैटल करानी हो तब क्या होगा। तो देखो इसका जो निष्कर्ष है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि ये जो फ्लाइंग जेट है उसका पावर लेवल, मैं ये नहीं कहूँगा कि काल के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल आ जाते हैं। देखो जैसे जो स्ट्रेंथ स्पीड, जैसे कि स्पीड की यहाँ बहुत अच्छी एडवांटेज है फ्लाइंग जेट के पास, वैसे ही टेलीकाइनेटिक पावर्स की बहुत अच्छी एडवांटेज है यहाँ काल के पास। और अगर इन दोनों में आपस में बैटल होती है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ फ्लाइंग जेट के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बट आपका क्या ओपिनियन है आप भी इसको कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट फुल वीडियो देखनी है तो मैंने बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। सो नाउ अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक, गुड बाय, बाय। और अगर किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ गुड बाय।